All of you. Good evening, all of you. Very good evening, guys. Good to see you all here. February 1, 2023. ठीक है, कल वो बजट प्रेजेंट करने वाली है, तो वील अंडरस्टैंड व्हाट आर द की टेक अवेज की, मतलब बजट होता क्या है एक्चुअली. बिकॉज अगर आप न्यूज में देखोगे तो हर जगह इसी की बात हो रही है आज, है ना. एवरीबडी इज ओनली टॉकिंग अबाउट बजट. तो वील अंडरस्टैंड इन वेरी वेरी ब्रीफली, वेरी क्विकली एज टू व्हाट इज द बजट एंड व्हाट इज द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया. देखिए, हम लोग ये फटाफट समझेंगे कि व्हाट इज निर्मला सीतारमन गोइंग टू डू टुमारो. राइट, एक सेकेंड बस. ओके, तो यहां से दैट इज हाउ वी गोना डू द सेशन. तो चलो, आई थिंक लेट्स क्विकली बिगिन. लेट्स अंडरस्टैंड कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया क्या होते हैं. सो यहां पर आई थिंक लास्ट थिंग, 20% ऑफ इज राइट नाउ गोइंग ऑन टिल टुनाइट. ऑफ ले सकते हो. अनअकैडमी इज टू काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन. वन इज आइकॉनिक. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में यू कैन गेट एक्सेस टू ऑल द क्लासेस. इसके अलावा यू गेट एक्सेस टू ऑल द फिजिकल स्टडी मटीरियल जो आपके घर पर डिलीवर किया जाएगा. अनअकैडमी का जो फिजिकल मटीरियल है. एंड यू विल ऑल्सो गेट एक्सेस टू अ मेंटर. आपको एक मेंटर दिया जाएगा. और जो प्लस क्लासेस है, तो प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको सारी की सारी क्लासेस एक्सेस हो जाएंगी. यू गेट एक्सेस टू ऑल दी क्लासेस ऑन अकेडमी. तो जो भी सब्सक्रिप्शन आपको आपके लिए ठीक लगता है, यू कैन टेक दैट एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग प्रॉपरली. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द बजट 23-24. तो ऑन 1 February 2023 आर यूनियन मिनिस्टर, सॉरी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर Ms. Nirmala Sitharaman is going to present the union budget for 23-24. अब पता है क्या है, बजट क्या करता है. बजट आपको पहली बार तो चीज बताता है कि भाई गवर्नमेंट का पिछले साल में कितना रेवेन्यू रहा, मतलब गवर्नमेंट ने कितने टैक्सेस से और अदर अदर सोर्सेज से पैसे कमाए, और कितना गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया, गवर्नमेंट ने उसमें से खर्च कितना किया. सो व्हाट इज द रेवेन्यू एंड व्हाट इज द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, ये चीजें वो बताएंगे. राइट, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बारे में वो डिस्कस करते हैं. और भी डिस्कस करते हैं कि भाई हम किन चीजों को इस साल टैक्स करेंगे, किन चीजों पर टैक्स कम होगा, ज्यादा होगा, वो सब चीजें बताई जाती हैं. तो बजट क्या करते हैं, इट फोकसेस ऑन मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ, एनर्जी ट्रांजिशन, डिजिटल इकोनॉमी में जब हम आगे जाने वाले तो उस पर काफी ज्यादा काम किया जाएगा. तो उसको समझाया जाएगा कल, मतलब नंबर्स के थ्रू, क्योंकि अब बजट तो कल आएगा तो नंबर्स भी कल ही आएंगे, है ना. तो यहां पर आपको समझाया जाएगा नंबर्स के थ्रू एज टू हाउ You could say, do with this. तो अभी आपको पता है ना कि we are doing this 25 years, आगे जाकर अमृत काल 100, इंडिया 100 को तो अमृत काल बोला है हमने, है ना. एक अमृत काल में हम पहुंच गए जहां पर हमारा 75 ईयर इंडिपेंडेंस से लेके 100 years तक हम लोग कुछ ऐसी इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना चाहते हैं पूरी तरह से, जो कि हर फील्ड में आगे रहे. And I want India to come and develop into a country which is like ahead in all the fields later. तो उसकी तरफ काम चल रहा है. तो हम ऐसे ग्रीन एनर्जी पे काम कर रहे हैं, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है ना, उस पर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो एक नेक्स्ट बिग थिंग होने वाली है. और अलग अलग सेक्टर्स में इंडिया काफी बड़ा काम चल रहा है. तो अब हमें बजट के थ्रू ये भी पता चलता है कि किस पर्टिकुलर सेक्टर को कितना पैसा एलोकेट किया जाएगा, है ना. विच पर्टिकुलर सेक्टर विल गेट व्हाट अमाउंट ऑफ मनी, दिस विल ऑल्सो बी डिस्कस्ड. तो जैसे आज मान लो कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि भाई हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनेंगे इंडिया में कुछ, तो कल हमें पता चलेगा कि हाइड्रो प्रोजेक्ट पे पैसा कितना इन्वेस्ट करने वाली सरकार, है ना. हाउ मच मनी आर दे गोइंग टू इन्वेस्ट इन दीज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स. सरकार ने बोला कि भाई हम अगले साल में 3,000 करोड़ रुपए हाइड्रो प्रोजेक्ट में खर्च करेंगे, तो मुझे पता चलेगा कि अच्छा ठीक है. फिर जो उसके क्रिटिक्स होते हैं वो बताते हैं कि इनफ है या कम है ना. देन दे कम एंड टेल अस कि भाई इनफ है, इनफ पैसा है या कम पैसा है, फिर वो ये डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में दे रखा है, अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो. It is given in Article 112 of the Constitution, and it's called the Annual Financial Statement of the Government. ठीक है, Annual Financial Statement of the Government, budget जिसको हम बोलते हैं ना, तो budget का जो official नाम है, that is the Annual Financial Statement. ठीक है, और budget applicable कब से होगा? Budget तो Feb 1 को आ जाएगा. Budget applicable होगा Feb 1 में बोलने के बाद April 1 से. ठीक है, April 1, 2023 से बजट विल बिकम एप्लीकेबल, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर चलता है. फाइनेंशियल ईयर कब होता है? April 1 से लेकर March 31 तक. तो एप्लीकेबिलिटी बजट की बाद में आएगी, अभी सिर्फ बजट को प्रेजेंट किया जाएगा कल और बताया जाएगा कि अगले साल हम क्या क्या चेंजेस लाने वाले हैं. तो ये बजट का एक्चुअली समझते, थोड़ा सा हिस्ट्री समझते हैं कि इसका फीचर आया कहां से. वेयर डिड वी गेट द फीचर ऑफ बजट
सारी कंट्रीज में होता है, दैट इज अ कॉमन फीचर एक तो। लेकिन इंडिया के जो पुराने अर्थशास्त्र हैं उसमें भी बजट के बारे में लिखा गया है। तो कौटिल्य की जो बुक है अर्थशास्त्र, उसमें भी बजट के बारे में लिखा गया कि कैसे जो मतलब मेन जो चांसलर हुआ करते थे वो बताते थे कि कितना हमारा रेवेन्यू हुआ है, कितना हमने खर्च किया है जनता के लिए। तो राजा भी ऐसा नहीं है ना कि मतलब राजा बस चल रहा है, उसको कोई बोल नहीं सकता। अगर राजा का रूल अच्छा नहीं होगा तो जनता उसके अगेंस्ट रिवोल्ट करती थी कई बार। तो राजा बताया करता था कि भाई किस तरह से हमारा रूल अच्छा है, हम लोग किस तरह से आप पर पैसा खर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे हम आप लोगों को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब डिस्कस किया जाता था वहां पर, राइट। तो दिस इज, यू कुड से ऑल ऑफ दिस इज गिवन इन कौटिल्यास अर्थशास्त्र, राइट। तो ये हमें वहां पे समझा जाता है। अब बजट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर विद द असिस्टेंस ऑफ एडवाइजर्स एंड ब्यूरोक्रेट्स। ऑब्वियसली मतलब फाइनेंस मिनिस्टर तो मोस्टली प्रेजेंट ही करती है, बाकी जो काम जो बैकग्राउंड वर्क होता है वो तो काफी और लोग होते हैं, उसके पीछे बहुत सारे लोगों की टीम होती है जो उनको अलग अलग सेक्टर से बताते हैं कि व्हाट डू वी हैव टू डू दिस ईयर। आपने अभी थोड़े दिन पहले देखा होगा एक हलवा सेरेमनी हुई थी, अगर आपने न्यूज में पढ़ा हो, धीरे धीरे हलवा सेरेमनी रिसेंटली। तो हलवा सेरेमनी क्या होता है कि जब बजट बन जाता है ना और उसको प्रेजेंट करने वाले होते हैं तो वो फाइनेंस मिनिस्टर ना बाकी सारे लोगों को हलवा खिलाती है अपने हाथ से, मतलब कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर हो वो हलवा खिलाते हैं अपने हाथ से। बेसिकली वो होते ना इंडिया में बोलते कि मीठा मुंह मीठा कराना किसी का, तो ये उस टाइप की सेरेमनी है। इट इज द हलवा सेरेमनी जो कि बजट मतलब प्रेजेंट होने के एक दो दिन पहले होती है, ठीक है। हलवा सेरेमनी की जाती है जहां पर बजट फाइनल किया जाता है। तो फाइनल द फाइनेंस मिनिस्टर सीक द व्यू ऑफ इंडस्ट्री कैप्टन एंड इकोनॉमिस्ट प्रायर टू प्रिपरेशन एंड वेरियस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशन रीड देयर ओपिनियन एंड सजेशंस आल्सो, ठीक है। अब ये क्या होता है कि इंडिया में बजट आएगा तो सिर्फ इंडियंस को तो फर्क पड़ेगा ही, लेकिन पूरी दुनिया की नजर रहती है, इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी है, सो दे ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भी इंडिया क्या लेके आने वाला है इस बार बजट में, है ना। व्हाट इज गोइंग टू बी देयर स्टैंड, व्हाट इज गोइंग टू बी देयर अंडरस्टैंडिंग, क्या हम करने वाले हैं, वो सब किया जाता है, राइट। तो जनरली इट इज द ब्यूरोक्रेट्स जो एक तरह से कह सकते हो कि पीछे जो इनके जो गवर्नमेंट में यूनियन सेक्रेटरी लेवल पे लोग होते हैं या फिर जो मतलब बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं ना, दे क्रिएट द बजट फॉर अस। वो समझाते हैं आपको कि हमें बजट में कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करने की जरूरत है, ठीक है। दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो बजट के चार स्टेज होते हैं, ये लिख लेना चार स्टेज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू स्टेज वन, फर्स्ट एस्टिमेट ऑफ डेफिसिट इज टू, नैरोइंग ऑफ डेफिसिट इज थ्री एंड प्रेजेंटेशन एंड अप्रूवल ऑफ बजट इज फोर। ये चार स्टेजेस होते हैं जिनमें फाइनल बजट फिर बनता है, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि हमारे एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू कितने हुए, मतलब हमारा खर्चा और इनकम कितनी हुई। फिर हमें पता चलता है कि अरे खर्चा तो ज्यादा हो गया इनकम से, ये जनरली ऐसे ही होता है कि खर्चा ज्यादा हो जाता है। तो फिर हम देखते हैं कि भाई कितना खर्चा ज्यादा हुआ, मान लो हमारा 2,000 करोड़ का खर्चा ज्यादा होगा, फिर हम देखेंगे कि 2,000 करोड़ को हम कम कैसे कर सकते हैं, अगले साल हम क्या ऐसा करें कि हमारा खर्चा कम हो और आउटकम उतना ही आए। फिर वो सब समझ के फाइनल बजट अप्रूव होता है और फिर उसको प्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरह का सिस्टम है, ठीक है। दैट इज ऑल दिस एंटायर सिस्टम वर्क्स। ठीक है, इस तरह से सिस्टम काम करता है। तो यूनियन बजट का जो बजट होता है उसमें काफी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज द स्पीच ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो कल निर्मला सीतारमन सुबह 11 बजे से शुरू करेंगे, ठीक है। शी विल स्टार्ट विद हर स्पीच एट 11 इन द मॉर्निंग और वो बजट कम से कम भी आप मान के चलो कि कम से कम 1.5 घंटे चलता है आराम से, इतना बड़ा स्पीच हो जाता है। तो वो 12:30 तक कम से कम वो बजट में डिस्कशन करती रहेंगे कि हम क्या ये करने वाले। तो बजट स्पीच काफी बड़ा होता है ना, काफी बड़ा बजट स्पीच होता है। एंड द फाइनेंस मिनिस्टर रीड इट इन द लोकसभा, लोकसभा में खड़े होकर वो उसको पढ़ेंगे, राइट। तो वो एक डायरेक्शन बताता है कि गवर्नमेंट किस चीज में, आपने जनरली देखा होगा हर बजट में कुछ चीजें महंगी हो जाती हैं, जैसे अगर हम सिगरेट की बात करें, है ना, सिगरेट की बात करें, कुछ भी टोबैको प्रोडक्ट की बात करें, एल्कोहल की बात करें, तो सरकार क्या करती है इन पे टैक्स बढ़ा देती है। गवर्नमेंट इंक्रीजेस टैक्स ऑन दीज प्रोडक्ट्स, हर बजट में थोड़ा थोड़ा बढ़ा देती है ताकि, क्योंकि यहां पर तो क्या है कि ऐसा मार्केट है जो उस फिर भी खरीदेगा ही खरीदेगा, है ना। दो स्मोकर्स, जिनको एल्कोहल जो लोग कंज्यूम करते हैं, दे विल बाय दीज थिंग्स चाहे वो कितना भी महंगा हो, और
और उससे क्या होता है, सरकार को टैक्स का फायदा होता है बहुत ज्यादा। वरना अगर आप देखा जाए तो सिगरेट और एल्कोहल तो एक सोसाइटी से, अगर इंडियन सोसाइटी की बात करें तो गवर्नमेंट का जो स्टांस रहता है कि गलत है इनको करना, अगर इनको यूज करना गलत है तो वाई आर बी सेलिंग देम इन दी मार्केट, है ना, वी कैन बैन देम ऑल टुगेदर, बट उससे सरकार का टैक्स का बहुत फायदा होता है, गवर्नमेंट अर्न्स अ लॉट ऑफ रेवेन्यू थ्रू टैक्सिंग दिस, राइट। तो वो सब बताया जाता है कि किस पे टैक्स बढ़ेंगे, इनकम टैक्स का क्या होगा, एंड देन गवर्नमेंट ऑल्सो कम्स विद सर्टेन इनिशिएटिव्स कि हम लोग कौन से फील्ड में इनिशिएटिव लेंगे। तो हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलर फील्ड्स को वी काइंड ऑफ फिगर इट आउट, ठीक है ना, हम उसको फिगर आउट कर लेते हैं कि हाउ आर वी गोइंग टू वर्क आउट विद दिस थीम, एंड देन वी वर्क ऑन देम, ठीक है, फिर हम उस पर काम करते हैं, राइट। जो बजट स्पीच होती है ना, प्रोवाइड डायरेक्शन टू विच द गवर्नमेंट विशेस टू मूव इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर, कमिंग फाइनेंशियल ईयर में किस डायरेक्शन में गवर्नमेंट जाएगी उसका डिस्कशन किया जाता है इसमें, ठीक है। ब्रॉड टैक्स पॉलिसी बताई जाती है एंड दैट इज हाउ दिस एंटायर सिस्टम वर्क्स, ठीक है, इस तरह से पूरा सिस्टम काम करता है। ये तीन आर्टिकल प्लीज नोट करने पड़ेंगे आपको, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं। 112 तो मैंने ऑलरेडी आपसे लिखवा दिया है ना, 112 इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर 265 और 266। 265 बोलते हैं कि नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, कि जब तक पार्लियामेंट इस चीज को अप्रूव नहीं करेगा तब तक वो टैक्स नहीं लगेगा, एंड नो एक्सपेंडिचर शैल बी इनकर्ड एक्सेप्ट विद द ऑथराइजेशन ऑफ द लेजिस्लेचर। और जब तक आपका लेजिस्लेचर नहीं मानेगा, मतलब जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी है वो किसी एक्सपेंडिचर के लिए नहीं अप्रूव करेगी, तब तक कोई सरकारी खर्चा नहीं होगा। तो 265 और 266 ये बिल्कुल क्लियर है कि अगर सरकार बोलेगी तो ही वो खर्चा किया जाएगा आगे, ठीक है। इफ द गवर्नमेंट ओनली गवर्नमेंट अग्रीज ओनली इन दैट सिनेरियो विल इट बी डन, ठीक है। 265, 266 एंड 112, ये तीन पर्टिकुलर आर्टिकल्स हैं। अब एक सेकेंड पार्ट होता है, सेकेंड पार्ट तो क्या मतलब, उसका पहले का ही पार्ट होता है, कॉल्ड द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जैसे हर एक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट होती है ना हर साल की, उस रिपोर्ट को फाइनेंस डिपार्टमेंट की, फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट होती है हर हर साल की, उसको इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। द रिपोर्ट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री इज कॉल्ड द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये क्या करता है, इट रिव्यूज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया ओवर द पास्ट फाइनेंशियल ईयर बाय गिविंग डिटेल स्टैटिस्टिकल डेटा ऑफ ऑल द सेक्टर्स, सारे सेक्टर्स का डिटेल डेटा मिलता है यहां से हमें, ठीक है। तो इंडिया का पहला जो इकोनॉमिक सर्वे था वो 1950-51 में आया था, ये फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया वाज प्रेजेंटेड इन 1950-51, और फिर 1964 तक उसको बजट के साथ ही प्रेजेंट किया जाता था, बट आजकल उसको एक दिन पहले प्रेजेंट किया जाता है। तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया बजट से पहले आता है, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज प्रेजेंटेड डे बिफोर। तो पिछले साल रामनाथ कोविंद जी ने किया था, ठीक है, एंड उसके अभी इस साल होगा भाई द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो इट वॉज डन बाय द्रौपदी मुर्मू दिस ईयर, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे प्रोजेक्ट्स की हमारा कितना जीडीपी होगा इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो वो क्या करता है, पूरे के पूरे एक साल के प्रोजेक्शंस देखता है कि भाई 2022-23 में क्या हुआ, What happened in 2023? फिर अब वो उस बेस पर डिसाइड करता है कि 23-24 में हम कितना जीडीपी हमारा ग्रो करेगा। तो पूरी तरह से हमें एक्सप्लेन करता है कि हाउ डज दैट वर्क। तो इट्स अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक्स, अ लॉट ऑफ यू कुड से इकोनॉमिस्ट्स वर्क ऑन दिस एंड अलोंग विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कि इसको हम किस तरह से आगे बढ़ाएंगे एंड हाउ विल इट लुक, हाउ विल द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया लुक, उसको किस तरह से हम एक पिक्चर देंगे कि इंडिया का इकोनॉमिक सिनेरियो अगले साल कैसा लगेगा। तो आपने देखा होगा कि कभी वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट्स आते हैं, कभी आईएमएफ के एस्टिमेट आते हैं कि इंडिया का जीडीपी कितना बढ़ेगा, है ना, इस टाइप के एस्टिमेट हम करते रहते हैं। तो वैसे ही हमारा खुद का इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया होता है जो एक फाइनेंस मिनिस्ट्री की एनुअल रिपोर्ट होती है, ठीक है। तो पहले उसको बजट के साथ में किया जाता था, आजकल उसको एक दिन पहले किया जाता है, तो इकोनॉमिक सर्वे जनरली पहले आ जाता है, राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इकोनॉमिक सर्वे रिलीज करना मैंडेटरी नहीं होता। सो डिड यू सी द इकोनॉमिक सर्वे टुडे, आप लोगों ने देखा न्यूज में इकोनॉमिक सर्वे आया या नहीं आया, हाँ, डिड यू ट्राई टू फिगर दैट आउट, क्योंकि आजकल न्यूज पेपर पे पढ़ा होगा आपने,
डिड यू सी? इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया आया है, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज कम टुडे, तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया ऑप्शनल होता है, ऐसा कुछ नहीं कहीं भी नहीं दे रखा कॉन्स्टिट्यूशन में या कहीं भी कि आपको इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया भी लाना पड़ेगा ऐसा, तो इट इज नो वेयर गिवन, इट इज वेरी मच डिस्क्रिशनरी। इफ यू फील लाइक इट यू ब्रिंग इट, इफ यू डू नॉट फील लाइक इट्स फाइन। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे फटाफट, ओनली फॉर 10 मिनट्स विल डू अ क्विज। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर ऑफ मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप, अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, तो व्हाट इज दैट ऑनलाइन मार्केट प्लेस मत्स्य सेतु? आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिखे राइट आंसर्स। तो इट्स एक्वा बाजार, ठीक है, इट्स नॉट सी, इट्स एक्वा बाजार इज द करेक्ट आंसर। विच स्टेट गवर्नमेंट इज अनाउंस टू सेटअप ग्रामीण आजीविका पार्क्स? ग्रामीण आजीविका पार्क मतलब होता है रूरल लाइवलीहुड पार्क्स। ठीक है, ग्रामीण आजीविका पार्क्स ये छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, ठीक है, ग्रामीण आजीविका पार्क्स है छत्तीसगढ़। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे व्हेन इज इट ऑब्जर्व्ड? व्हेन इज द वर्ल्ड फोटोग्राफी डे ऑब्जर्व्ड? The World Photography Day is observed on. You can make blind guesses, ऐसे कुछ नहीं कि आपको आना चाहिए, blind guess करो, बताओ। तो इट्स ऑगस्ट 19, ऑगस्ट 19 इज द वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, ठीक है, ऑगस्ट 19 इज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। अंडर विच एक्ट द मिनट्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी मीटिंग्स आर रिलीज्ड? कौन से एक्ट के अंडर मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के मिनट्स रिलीज किए जाते हैं? मिनट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मीटिंग रिलीज कौन से एक्ट के अंडर? सो इट इज दी आरबीआई एक्ट, वेरी गुड। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया कोई एक्ट नहीं होता, इट इज दी आरबीआई एक्ट। Which company has developed India's first indigenously developed RT-PCR kit for monkeypox disease? RT-PCR for monkeypox किसने सबसे पहले क्रिएट किया था? ठीक है, आरटीपीसीआर किट इज, इट्स ट्रांस ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स, ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स, करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द आर्टिकल टाइटल्ड प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव? प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव, सो इट्स द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव। व्हिच कंट्री इज होस्ट ऑफ द पिच ब्लैक एयर कॉम्बैट सीरीज?
पिच ब्लैक एयर कॉम्बैट सीरीज, होस्ट ऑफ द पिच ब्लैक एयर कॉम्बैट सीरीज, इट इज ऑस्ट्रेलिया. गुड, द करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया. आर्टिमिस 3 इज अ क्रूड मून लैंडिंग मिशन ऑफ विच कंट्री? क्रूड मून लैंडिंग मिशन ऑफ विच कंट्री? आर्टिमिस 3. ठीक है, तो नहीं, आर्टेमिस 3 तो बहुत फेमस है यार, ये तो यूएस का मिशन है ना, लास्ट ईयर रिलीज किया गया. आर्टेमिस 3 इज अ वेरी फेमस मिशन. अब नहीं, आगे किया जाएगा. सॉरी, इंडिजिनियसली डेवलप्ड फ्यूल सेल बस हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? गाइस जस्ट गिव मी 1 सेकंड. ठीक है, आप लोग करो, 1 सेकंड मारो. I'm so sorry guys, I'm so sorry. तो first indigenously developed hydrogen cell fuel bus कहाँ पर you could say inaugurated हुई थी? So it was inaugurated in Pune. ठीक है, उसको पुणे में inaugurate किया गया था. It was inaugurated in Pune. Which is the location of National Seed Congress? इस बार इंडिया में हुआ था 22 में. तो what was the location of the National Seed Congress? Location of the National Seed Congress in 22. It's Gwalior. ठीक है, National Seed Congress Gwalior. Gwalior में हुआ था. Name of the 3.5 किलोमीटर लॉन्ग फ्रीट ट्रेन जो भी रिसेंटली टेस्ट की गई थी. 3.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन, सोचो कितनी लंबी है. 3.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन है, फ्रीट ट्रेन है बेसिकली. यहां पर सामान लाने ले जाने के काम आएगी है. उसको रिसेंटली टेस्ट किया गया, विच इज दैट ट्रेन? सो इट इज करेक्ट. दिस ट्रेन इज कॉल्ड सुपर वासुकी. ठीक है, सुपर वासुकी इज द नेम ऑफ द ट्रेन. 3.5 किलोमीटर लंबी फ्री ट्रेन. The central government has planned to collaborate with which state to develop a district good governance portal? District good governance portal बनाने के लिए central government ने कौन से state से भी recently collaborate करने का सोचा है? So they have decided to collaborate with अरुणाचल प्रदेश. नो, द करेक्ट आंसर इज ए, इट्स अरुणाचल प्रदेश. तो द गवर्नमेंट इज गोइंग टू कोलैबोरेट विद अरुणाचल प्रदेश टू डेवलप अ डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस पोर्टल. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस पोर्टल. विच स्टेट इज इनॉग्रेटेड द राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी?
राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी कौन से स्टेट ने इनॉग्रेट करा है अभी? तो राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी हैज बीन इनॉग्रेटेड इन इनॉग्रेटेड इन राजस्थान, ठीक है? सो दी राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, प्लीज लिख लो, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इज इनॉग्रेटेड इन राजस्थान। ये बताओ, इंडियाज फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी वॉज इनॉग्रेटेड ऑन हाईवे 925A स्ट्रेच इन विच स्टेट? तो इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी हाईवे पे, मतलब जनरली आपने देखा होगा इमरजेंसी लैंडिंग जो प्लेन्स की होती है वो एयरपोर्ट पे ही होती है कोई आसपास के, बट कई बार तो ऐसा होता है कि इतना टाइम ही नहीं है आपके पास कोई आसपास का एयरपोर्ट पहुंच पाओ, तो आपको ऐसी जगह पे चाहिए जहां पर वो रेडी अवेलेबल स्पेस हो। तो हाईवे 925A पे हुआ था, नेशनल हाईवे 925A पे, कौन से स्टेट में है वो? सो इट इज इन ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान, ठीक है? 925A इज इन राजस्थान, 925A इज इन राजस्थान, ठीक है? कॉमथॉम विलेज हैज बीन नॉमिनेटेड एज द बाय द यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, WTO यहां पर है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, एज द बेस्ट टूरिज्म विलेज। वेयर इज इट लोकेटेड? कौन से स्टेट में है ये? कॉमथॉम विलेज हैज बीन नॉमिनेटेड एज यूएन WTO बेस्ट टूरिज्म विलेज, इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ठीक है, इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो इट इज लोकेटेड इन कॉन्गथॉन्ग विलेज, इट्स लोकेटेड इन मेघालय, ठीक है? यहाँ पर और टोटल तीन विलेजेस थे जिनको डेजिग्नेट किया था, एक है कॉन्गथॉन्ग, देर इज लाडपुरा खास द सेकेंड विलेज एंड थर्ड इज पोचमपल्ली। तीन विलेजेस हैं, कॉन्गथॉन्ग, लाडपुरा खास एंड पोचमपल्ली, तीन विलेजेस हैं। हु वर्चुअली चेयर्ड द 13th ब्रिक्स समिट? हु वर्चुअली चेयर्ड द 13th ब्रिक्स समिट? सो इट इज ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑब्वियसली लाइक इंडिया वॉज दी चेयर 13th ब्रिक्स समिट का, तो इंडिया डिड इट। लास्ट लास्ट टू क्वेश्चंस फॉर द डे, मनीष नरवाल वो वन अ मेडल एट पैरालंपिक्स पार्टिसिपेटेड इन विच स्पोर्ट? पैरालंपिक्स में मनीष नरवाल ने एक मेडल जीता था, ही पार्टिसिपेटेड इन विच स्पोर्ट? मनीष नरवाल, काफी काफी नाम हो गया था इनका पैरालंपिक्स के बारे में। सो मनीष नरवाल हैड वन हिज मेडल इन ऑप्शन नंबर बी, शूटिंग, ठीक है? शूटिंग में मनीष नरवाल एंड वंदी मेडल शूटर थे। लास्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ बॉक्साइट हैज रिसेंटली सीन अ मिलिट्री कूप। तो इस पर्टिकुलर कंट्री में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर यू कुड से एलिमेंट है बॉक्साइट, यहां पर अभी मिलिट्री कूप हो गया, विच इज दिस कंट्री? तो मिलिट्री कूप ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज में हुआ है। करेक्ट आंसर, आई गेस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गिनी, ठीक है? जो गिनी इट्स अ अफ्रीकन कंट्री जहां पर अभी ऐसा हो गया, ठीक है? इट्स एन अफ्रीकन कंट्री जहां पर अभी मिलिट्री का एक तरह से कू हो गया था। सो दैट इज इट फ्रॉम माई एंड गाइज, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस, एंड आई थिंक इट वॉज अ क्विक सेशन। आई डिड नॉट वॉन्ट टू डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स विद यू, जस्ट गिव यू बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे एंड सम बेसिक क्विज क्वेश्चंस। So that's it. I'll see you guys again tomorrow. Thank you. Bye. Have a good day.